नमस्कार, आपके साथ मैं नंदिता कुडेशिया हूँ। आज का दिन अहम है। देश के अलग अलग राज्यों की 4 लोकसभा और 10 विधानसभा सीटों पर सोमवार को हुए उपचुनाव के नतीजे बस अब से थोड़ी देर में आने वाले हैं। ये उपचुनाव 2019 लोकसभा चुनाव का ट्रेलर कहा जा रहा है, क्योंकि 2019 लोकसभा चुनाव से पहले यूपी का ये आखिरी उपचुनाव है। वही महाराष्ट्र में सत्ता में साथ रहने वाली बीजेपी और शिवसेना पालघर सीट पर आमने सामने है और उनकी भी किस्मत का फैसला थोड़ी देर में ही होगा। इसके साथ ही देश के दूसरे राज्यों जैसे कि बिहार, झारखंड, पंजाब, केरल, मेघालय, उत्तराखंड में भी विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आने वाले हैं और इसकी पूरी अपडेट के लिए जी मीडिया के संवाददाता मौजूद हैं और काउंटिंग शुरू होते ही सबसे तेज रुझान जी न्यूज आपके सामने लाएगा। देश के अलग अलग राज्यों की 4 लोकसभा और 10 विधानसभा सीटों पर सोमवार को हुए उपचुनाव के नतीजे कुछ ही घंटे बाद आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के कैराना, नागालैंड लोकसभा सीट, महाराष्ट्र के पालघर और भंडारा गोंदिया लोकसभा सीट के नतीजे आने वाले हैं। इन सभी सीटों में से सबसे ज्यादा नजर उत्तर प्रदेश की कैराना लोकसभा सीट पर है, जहां के नतीजों को 2019 का सेमीफाइनल भी कहा जा सकता है। कैराना उपचुनाव में बीजेपी का मुकाबला विपक्ष उम्मीदवार से है। राष्ट्रीय लोक दल की कैंडिडेट तबस्सुम हसन को समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी का समर्थन है। बीजेपी उम्मीदवार मृगांका सिंह की किस्मत का आज फैसला होना है। कैराना उपचुनाव नतीजे बीजेपी और विपक्ष के महागठबंधन दोनों के लिए अहम है, क्योंकि कैराना में बीजेपी के सर जीत का सहरा सजा तो विपक्ष का महागठबंधन से भरोसा टूटेगा। लेकिन आज बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा तो यूपी और पूरे देश में बीजेपी को टक्कर देने में महागठबंधन मजबूत स्थिति में होगा। बीजेपी की आज की जीत ये भी तय कर देगी कि पीएम मोदी का दावा 2019 के लिए मजबूत है। साथ ही यूपी में मोदी और योगी की रणनीति कितनी कामयाब हुई है ये भी आज के नतीजों पर निर्भर है। यूपी में समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस की तिगड़ी में दम है या नहीं, इसका भी फैसला कैराना के नतीजों से हो जाएगा। कैराना में योगी आदित्यनाथ की साख भी दांव पर इसलिए है क्योंकि उन्हें कैराना जीतकर गोरखपुर और फूलपुर की हार का डैमेज कंट्रोल करना है। इसके अलावा आज का दूसरा दिलचस्प मुकाबला है महाराष्ट्र के पालघर लोकसभा उपचुनाव का, जहां मोदी सरकार और महाराष्ट्र सरकार में सहयोगी बीजेपी और शिवसेना के बीच कड़ी टक्कर है। महाराष्ट्र में पालघर और भंडारा गोंदिया लोकसभा सीटों के उपचुनाव के नतीजे भी बीजेपी के लिए अहम हैं। इन दोनों लोकसभा सीटों के चुनाव नतीजे बीजेपी, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की 2019 के चुनाव के लिए रणनीति तय करेगी। महाराष्ट्र के पालघर में बीजेपी की साथी पार्टी शिवसेना से ही सीधा मुकाबला है। दोनों केंद्र और सत्ता में एक साथ हैं, लेकिन पालघर के चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। पालघर बीजेपी की जीत का गढ़ रहा है, लेकिन यहां बहुजन विकास अघाड़ी के बलिराम जाधव भी पासा पलट सकते हैं। पालघर में उत्तर भारतीयों की संख्या ज्यादा है, इसीलिए बीजेपी ने जीत के लिए उत्तर भारतीय नेताओं की यहां फौज उतार दी थी। कुछ ही घंटों में फैसला आ जाएगा कि पालघर किस पार्टी की जीत का नया गढ़ बनता है। महाराष्ट्र की दूसरी लोकसभा सीट भंडारा गोंदिया सीट पर बीजेपी का सीधा मुकाबला एनसीपी से है। कैराना के साथ साथ बिजनौर की नूरपुर विधानसभा सीट के नतीजे भी आज ही आएंगे। नूरपुर से अवनी सिंह बीजेपी उम्मीदवार है, जबकि समाजवादी पार्टी की ओर से नईमुल हसन को चुनाव लड़ाया जा रहा है, जिसे बीएसपी, कांग्रेस और आरएलडी का समर्थन हासिल है। कैराना की जीत पीएम मोदी और बीजेपी के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि कैराना जीतने से ही देश में संदेश जाएगा कि 2019 में एकजुट विपक्ष भी मोदी लहर नहीं रोक सकता। राहुल गांधी, अखिलेश और माया के लिए कैराना की जीत इसीलिए जरूरी है क्योंकि ये सीट हारने पर संदेश जाएगा कि मोदी मैजिक के आगे सियासी स्वार्थ की दोस्ती में कोई दम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
महाराष्ट्र का पालघर किसकी जीत का गढ़ है, ये अब से थोड़ी देर में तय हो जाएगा। क्या बीजेपी अपनी सीट बचा पाएगी या बीजेपी की सहयोगी पार्टी वहां सेंध लगा देगी, इसका फैसला थोड़ी ही देर में हो जाएगा। लेकिन पालघर चुनाव से पहले नेताओं की बयानबाजी ने जंग में इस पूरे इलेक्शन को तब्दील कर दिया है। वोटिंग के दिन ही शिवसेना नेता संजय राउत ने बीजेपी पर धांधली का आरोप लगाया और चुनाव आयोग पर विवादित बयान दे दिया। महाराष्ट्र में पालघर उपचुनाव को लेकर शिवसेना किस कदर बौखला चुकी है, संजय राउत का इस शर्मनाक बयान उसी की मिसाल है। और इस बयान पर उद्धव ठाकरे का मौन का मतलब है कि ये शिवसेना की जुबान है। ये डेमोक्रेसी और हमारी देश का चुनाव कोई रिमोट कंट्रोल से चला रहा है क्या? किसी के हाथ में उसका रिमोट है और चला रहा है? ये गुलाम बन गया है चुनाव आयोग, एजेंट है पॉलिटिकल पार्टीज के। इस तरह से अगर निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा तो ये देश में अराजक फैलेगा। ये इशारा नहीं है, ये धमकी समझिए। जनता आप सहन नहीं करेगी। पैसे का खेल चलता है, ईवीएम का खेल चलता है, जो चाहे मनमानी आप करोगे, चाहे सरकार किसी की भी हो। संजय राउत के बयान से पहले शिवसेना के मुखपत्र सामना में भी चुनाव आयोग पर तल्ख टिप्पणी की गई थी। शिवसेना उपचुनाव को लेकर इसलिए भी आक्रामक है क्योंकि पालघर में उपचुनाव में उसके सामने बीजेपी है। पालघर उपचुनाव बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के लिए वर्चस्व की लड़ाई है। बीजेपी ने कांग्रेस के बागी राजेंद्र गावित को उम्मीदवार बनाया तो शिवसेना ने बीजेपी के दिवंगत सांसद चिंतामणि वनगा के बेटे श्रीनिवास पर दाव खेल दिया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि शिवसेना ने धोखे से पीठ पर वार किया है। वहीं शिवसेना ने बीजेपी पर विश्वासघात का आरोप लगाया। पालघर से 7 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं लेकिन कांटे की टक्कर बीजेपी और शिवसेना में है। पालघर में उत्तर भारतीयों की तादाद ज्यादा है, इसीलिए बीजेपी ने जीत के लिए उत्तर भारत के सभी नेताओं को चुनाव प्रचार में झोंक दिया था। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पालघर में चुनाव प्रचार किया तो बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी यहाँ रोड शो किया। दूसरी तरफ महाराष्ट्र का भंडारा गोंदिया का चुनावी गणित भी बीजेपी के लिए अहम है क्योंकि बीजेपी सांसद नाना पटोले कांग्रेस में शामिल हो गए थे, इस वजह से सीट खाली हुई थी। भंडारा गोंदिया सीट से 18 प्रत्याशी मैदान में हैं। यहां मुकाबला बीजेपी के हेमंत पटले और एनसीपी के मधुकर कुकड़े के बीच है। अगर शिवसेना पालघर समेत भंडारा गोंदिया में फतेह हासिल करती है तो अलग होकर नए रास्ते तलाश सकती है और उसका कद भी ऊंचा होगा। लेकिन पालघर में शिवसेना को शिकस्त मिली तो बीजेपी के सामने शिवसेना की हालत कमजोर होगी। शिवसेना इस हालत में भी नहीं रहेगी कि वो बीजेपी पर निशाना साध सके और गठबंधन तोड़ने की धमकी भी दे सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।